हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पितृ पक्ष चल रहे हैं और सभी लोग अपने अपने पितृ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं और मना रहे हैं पितृभ्य स्वदायिभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वदायिभ्य स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्य स्वदायिभ्य स्वधा नमः। पितरः पितरो त्वं तृप्तं भव पितृभ्यो नमः। बोलिए अपने अपने पितर की जय। दोस्तों, हम सभी लोग पितृपक्ष आते ही अपने अपने पितर को प्रसन्न करने में लग जाते। कहीं जल देना, कहीं धूप देना, कहीं तर्पण, कहीं पिंडदान, तो कहीं गया श्राद्ध। हर कोई अपने अपने पितर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि पितर का आशीर्वाद उन पर बना रहे, परिवार पर बना रहे। पर ये क्यों करना पड़ता है, इसकी बात को आपको ध्यान से समझना चाहिए। देखा गया है तो आत्मा की तीन स्थितियां बताई गई है। पहले अधोगति यानी भूत और प्रेत पिशाच आदि योनि में जन्म लेना, दूसरी है स्वर्ग लोक और तीसरी है मोक्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार इन तीनों के अलावा भी जीव को एक ऐसी गति मिलती है जिसमें उसे भटकना पड़ता है, जिसे प्रतीक्षा काल कहा गया है। और जो सूक्ष्म शरीर आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़ने पर धारण करती है वही प्रेत होती है। प्रिय के अतिरेक की अवस्था ही प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर क्या होता है, मोह होता है, माया होती है, भूख होता है, प्यास का अतिरेक होता है। इन सब चीज़ों की, मोह माया भूख प्यास, इसकी अधिकता होती है। और इन्हीं भटकी हुई आत्माओं की मुक्ति के लिए पितृ को तर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है इससे लेकर अमावस्या तक यमराज हमारे पितर को अपना अपना भाग लेने के लिए पृथ्वी पर जाने की आज्ञा देते हैं। और इसीलिए इस दौरान सभी पूर्वज पृथ्वी पर अपने अपने घर आते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहते हैं। जब पिंडदान हो जाता है तो सपिंडन के बाद वह प्रेत पितृ में शामिल हो जाते हैं और पितृ पक्ष भर में जो भी तर्पण किया जाता है उससे पितृ प्राण तृप्त होते हैं। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जो यव तथा चावल का पिंड, यव यानी जौ और चावल का पिंड उनको दान देता है, उसमें से अंश लेकर वो अम्भ प्राण का ऋण चुकाते हैं। और ठीक अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र ऊर्ध्वमुख यानी ऊपर की ओर मुख होने लगता है। 15 दिन तक इस प्रकार अपने अपने भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। और इसीलिए ये 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है इसे पितृ पक्ष कहते हैं। पितृ की तृप्ति का अवसर होता है। और ये नई बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी वार्ताएं हैं जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की वार्ता है। रामचरितमानस में भी राम जी ने दशरथ जी और जटायु को गोदावरी नदी पर अंजलि दी थी। दोस्तों, श्राद्ध की शुरुआत पूर्णिमा से होती है जिसे महालय आरंभ कहते हैं। और भादो माह की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध के रूप में अपने अपने पितृ की तिथि के अनुसार हमें अर्पण, तर्पण, दान, ब्राह्मण भोज आदि करने चाहिए। लेकिन अगर तिथि पता ना हो तो सभी का श्राद्ध आपको अमावस्या के दिन या महालया वाले दिन करना चाहिए। इनमें से कुछ खास तिथियों को कुछ रिश्तेदारों का भी श्राद्ध करने का विधान है, जैसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन यानी पहला फर्स्ट डेट जो होती है उस दिन नाना नानी का श्राद्ध कर सकते हैं। नौमी तिथि के दिन माँ का श्राद्ध करना चाहिए। द्वादशी के दिन सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है, मतलब आपके पितर अगर सन्यासी हो गए थे तो उनका श्राद्ध किया जाता है। और चतुर्दशी के दिन आकस्मिक दुर्घटना से जिनकी मृत्यु हुई हो, शस्त्र के लगने से, जल में डूबने से, आग में जलने से, किसी जहरीले जीव के काटने से, किसी भी प्रकार के जहर से, हत्या से या आत्महत्या से यानी कि एक्सीडेंटल मृत्यु हुई हो, और जो सुहागन स्त्रियां हैं इनका श्राद्ध केवल नौमी तिथि को ही किया जाता है। यानी माता का श्राद्ध भी इसी दिन और सुहागन स्त्रियों का श्राद्ध भी एक ही दिन नौमी को किया जाना चाहिए। इस बार पूरे पखवाड़े आपने अगर कुछ किया या नहीं किया, अमावस्या को आपको जाने नहीं देना है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की जो आखिरी तिथि होती है उसी को अमावस्या कहते हैं। और जो अश्विन माह में पड़ने वाली अमावस्या होती है इसको सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, मोक्षदायिनी अमावस्या पितृ अमावस्या के नाम से जानी जाती है। और इस बार ये सर्व पितृ अमावस्या 6 अक्टूबर 2021 के दिन बुधवार के दिन पड़ रही है और इसे
इसी दिन पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। का मुहूर्त 5 अक्टूबर 2021 को शाम को 7:04 से हो जाएगा। तो जो लोग भी अमावस्या की पूजा या चंद्रमा की पूजा आदि करेंगे वो 5 अक्टूबर को करेंगे, और जो स्नान दान पितृ तर्पण की अमावस्या है वो 6 अक्टूबर को शाम को 4:34 तक रहने वाली है। आपको सभी चीजें 6 अक्टूबर को करनी है। श्राद्ध करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, अपने परिवार कुल के अधिकारी जो भी दामाद या भतीजे आदि हो सकते हैं उनको न्योता देकर बुलाना चाहिए, सुपात्र ब्राह्मण को बुलवाना चाहिए, कोरोना काल है ना मिले तो स्वयं से करना है, और इस प्रकार आपको पितृ की शांति के लिए पूजा करना चाहिए। सुपाते ब्राह्मण के अभाव में खुद से घर में तर्पण विधि करें आसान तरीके से। बहुत वीडियोस दिए हैं मैंने, आपको लिंक दे दूंगी, आप देख लें कैसे करना है। और सुबह जल्दी उठें, श्राद्ध वाले दिन सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के बिना साबुन के इस दिन स्नान किया जाता है। स्वच्छ हल्के वस्त्र धारण करने चाहिए। जो भी अपने देवस्थान है पितृ स्थान है उसको साफ कीजिए। ध्यान रखना है इस दिन जब तक श्राद्ध कर्म ना हो झाड़ू नहीं मारना है, सिर्फ कपड़े से स्थान को साफ कर लेना चाहिए। फिनाइल नमक अगर यूज़ करते हैं रेगुलर में तो ये सब ना करें। अगर कीड़े मकोड़े की प्रॉब्लम हो तो हल्दी मिले जल से थोड़ा सा घर पोछा सकते हैं, या गंगा जल का छिड़काव कीजिए, मिट्टी का छिड़काव कीजिए। और श्राद्ध के दौरान तुलसी हो आम हो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, सूर्य देवता को अर्घ ज़रूर दें। दोस्तों आप सोचते होंगे कि दिवाली हो होली हो बड़े त्यौहार हो इस पर रंगोली बनाई जाती है। आपको बता दूँ पितृपक्ष में पितृ के स्वागत के लिए अगर आप रंगोली बनाते हैं तो ये आपको माला माल करती है। पितृ बहुत प्रसन्न होकर के नाच करके आपके घर पे प्रवेश करते हैं, इसलिए हो सके तो अपने घर के आंगन में रंगोली भी बनाएं। इसके बाद महिलाओं को स्नान करने के बाद कुछ महिलाएं क्या करती है, पितृ का भोजन बना रहा है, ब्रश कर रहे, एक तरफ आलू चढ़ा दिया बॉईल करने, एक तरफ आटा लगा दिया, मेड आई है मेड से काम करा लिया, ऐसा ना करें। पितृ का भोजन अपने हाथ से और वो भी शुद्धता पूर्वक आपको बनाना चाहिए। भोजन में ज़्यादा कुछ बनाएं या ना बनाएं, खीर पूरी पुआ ये ज़रूरी होते हैं। बाकी जो आपके पितृ को पसंद है सब्जी रोटी आप ओल की चटनी आदि जो इच्छा हो वो बनाना चाहिए। मेन खीर होता है, खीर में क्या होता है दूध और चावल होता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी मौसम चेंज होता है तो उत्तम माना गया है, और खीर भगवान को भी प्रिय होती है पितृ की भी तृप्त करती है, इसीलिए आहुति भी इस दिन खीर की ही दी जाती है। चावल पूर्ण अक्षत और दूध अमृत इन दोनों को मिला करके संपूर्ण भोजन कहा गया है, और देवताओं का भोग भी है। बाकी आप भोजन में जौ हो मटर हो सरसों हो इसका प्रयोग करके बनाइए, ये आपके पितृ के पसंद का पकवान आपको बनाना चाहिए। अब जब आप स्वयं से तर्पण करेंगे तो एक बर्तन ले लीजिए, एक लोटा जल ले लीजिए, गंगा जल दूध शहद कुश काले तिल, और अपने अंगूठे से आपको तिलांजलि देनी चाहिए। जब भी श्राद्ध निकालते हैं काले तिल बिखेर करके श्राद्ध करना चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि जो पिशाच होते हैं वो हवि को खा जाते हैं। इस दिन आपको जो भी आसन वगैरह यूज़ करेंगे आपको एक तो दक्षिण मुखी होकर के पूजन करना चाहिए, सारा पितृ पूजन दक्षिण मुखी होकर के किया जाता है, और आसन हमेशा कुशा घास का या फिर कंबल का आसन ले सकते हैं वो भी हल्के रंग का। अगर कोई ब्राह्मण आ रहे हैं काम कराने के लिए तो आप रेशमी ऊनी लकड़ी कुश ऐसे आसन पर बिठाएं, लोहे का कोई पाटिया या लोहे की चीज़ आसन आपको नहीं देना चाहिए। और फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कोरोना के कारण अगर पुरोहित नहीं मिल पा रहे हैं या श्राद्ध सामग्री नहीं मिल पा रही है, जिन लोगों के लिए श्राद्ध करना संभव ना हो वे आप धर्म के रूप में संकल्प पूर्वक आम श्राद्ध हिरण्य श्राद्ध गोग्रास आदि अर्पण करना चाहिए। गोग्रास सबसे आसान है, यानी कि गाय का उपाय आपको करना चाहिए, गाय को इस दिन भोजन पानी देना चाहिए। आगे बताऊंगी कैसे करना है। जो लोग भी पितृ की फोटो लगा करके पितृ यंत्र रख करके पूजन करना चाहते हैं वो करें। अगर आपके पितृ की फोटो या पितृ यंत्र नहीं है तो उसके स्थान पर आप विष्णु भगवान या शिव जी की फोटो लगा करके भी ध्यान कर सकते हैं। चंदन हो जनेऊ हो सफेद पुष्प ये अर्पित करना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए, धूप जरूर देनी चाहिए, इससे शारीरिक तौर पर संतुष्टि या कहें शांति प्रदान होती है, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए गोबर के कंडों पर और उसमें गाय का दूध दही घी इनसे आपको धूप देनी चाहिए।
अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, जो पूजन करेंगे तो उसमें बेलपत्र हो, चंपा हो, नाग केसर हो, कनेर के फूल हो, कचनार हो, लाल रंग के पुष्प हो, ये आपको भूल से भी यूज़ नहीं करने चाहिए। जो भी पूजा करेंगे उसमें सफ़ेद रंग के पुष्प ही उपयोग में लाना चाहिए। अब जो आपने भोजन आदि बनाया है अपने पितृ के लिए, उसमें से चार ग्रास आपको निकालनी है। इसमें से पहला हिस्सा गाय का, एक हिस्सा कुत्ते का, एक हिस्सा कौवे का, एक अतिथि के लिए, और पांच अंश कहा जाता है पंचबलि, यानी कि गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। ये पंचबलि निकाली जाती है। क्यों निकालते हैं पंचबलि? कुत्ते को जल का तत्व का प्रतीक मानते हैं, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार से इन पांचों को आहार देकर के पंच तत्वों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गौ की सेवा है। गाय को चारा खिलाना, गाय की सेवा करना, इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। ऐसे भी कहा गया है ना, 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास माना गया है गौ माता के अंदर। उनको एक रोटी भी आप इस दिन खिलाते हैं तो आपको कहा जाता है पूरे के पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का और सभी पितरों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। दोस्तों, जिस घर में गौ को रोटी खिलाई जाती है, गौ की सेवा की जाती है, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां तर जाती है, इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार के सभी सुख भोगती है और किसी प्रकार की कठिनाई आती भी है तो अपने आप निकल जाती है। इस दिन आपको जानवरों को भोजन देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराइए, मुख शुद्धि कराइए, वस्त्र दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो वो आपको अर्पित करना चाहिए। और ब्राह्मण को भी चाहिए कि स्वस्ति वचन का पाठ करें, वैदिक पाठ करें, गृहस्थ और पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। पितरों को होम लगाना चाहिए, यहाँ पे आपके घर की देहरी पर भी, घर की देहरी जो होती है, दहलीज जो होती है, उस पर भी उपले की अंगार पर घी, चीनी और चावल के कुछ दाने डाल करके अग्नि को प्रज्वलित करके अग्यारी करनी चाहिए। और शाम के समय अपने घर के चौखट पर एक सरसों का दीपक जलाकर चौखट पर रखें। दक्षिण मुखी होना चाहिए दीपक, ये ध्यान रखें। और थोड़ा सा इस दिन आपको भोजन घर के आंगन में या छत पर जाकर पत्तल में रखना चाहिए। पितरों से प्रार्थना करें कि आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और फिर उनसे प्रार्थना करें कि आप अपने लोग को शांतिपूर्वक तृप्त होकर के लौट जाइए। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करना चाहिए। अब कुछ लोग होता है आर्थिक कारणों से या और कोई कारण है नहीं कर सकते श्राद्ध और अपने पितर के लिए कुछ करना चाहते हैं श्रद्धा भाव से, तो आप अगर कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे आप जो भी चीज़ आपको मिले, थोड़ा सा अन्न हुआ, साग पात फल हुआ, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा है ये दे देना चाहिए। ये भी संभव नहीं हो तो 7-8 मुट्ठी काले तिल ले लीजिए और जल समेत आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दीजिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। और कुछ ना कर सके तो आप जहाँ पे भी रोटी खा रहे हैं एक रोटी लेकर के गौ माता को खिला दीजिए, और हो सके तो थोड़ा घी लगी हुई रोटी खिलाइए, कुछ मीठा, गुड़, जो भी आप इच्छा हो वो रख सकते हैं। इससे समस्त गौ पूजन का आपको लाभ मिलता है, समस्त आपके जो पितर हैं वो शांत होते हैं। अगर इसके साथ कोई सब्जी भाजी पालक विशेष रूप से अगर मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छा होता है, कुंडली से आपके पितृ दोष को दूर करता है। दोस्तों, जो लोग भी घर में रोटी बनाएंगे वो ध्यान रखें कि जो पहली रोटी बनाएंगे वो ही गाय को खिलानी है, और ऐसा नहीं कि मैम ने बोला है गऊ को रोटी खिलानी है तो जो सबके खाने में से बची रोटियां हैं या बचे कुचा खाना है उसमें से आप ले जाकर गऊ माता को डाल दें। ऐसा ना करें, बासी रोटियां, झूठी रोटियां ये गऊ को नहीं खिलाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। कहा जाता है इससे वंश तक खत्म हो सकता है। कुछ परिवारों पर पितृ दोष लग जाता है, इससे क्या होता है परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, बहुत तरह की समस्याएं आती है। तो ऐसे में आप चाहें तो गया श्राद्ध या कोई भी तीर्थ स्थान पर, सोमनाथ आदि, त्रिवेणी घाट, हरिद्वार आदि पर आप पिंडदान करा सकते हैं, श्राद्ध कर्म करा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट बता देती हूँ आपको, बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि मैम इस दौरान शॉपिंग करें या ना करें। आपको बता दूँ, कई पितृपक्ष में भूमि हो, वाहन हो, जेवर हो, कपड़े हो, लोग ऐसे कहा जाता है डरते हैं कि खरीदी नहीं करना चाहिए, दुख का माहौल होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कोई भी शास्त्र में उल्लेख नहीं किया गया है कि पितृपक्ष में खरीदारी नहीं की जा सकती है। पहले ज़माने में क्या होता था, धार्मिक अनुष्ठान में अधिक समय देने के कारण लोग इस दौरान चीज़ें नहीं खरीदते थे, इस कारण धीरे धीरे ये रूढ़िवाद बन गई है। इन दिनों में शुभ कामों के सहित खरीदारी भी की जा सकती है। मेनली गणेश जी की, गणपति होता है फेस्टिवल, और उसके बाद
दुर्गा पूजा आने वाली है, तो दुर्गा पूजा में तो लोगों को नए कपड़े चाहिए, तो कैसे खरीदेंगे? बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप ध्यान रखें आपके पितृ का श्राद्ध हो, तिथि हो, उस दिन आप शॉपिंग ना करें, या करना भी है तो उनका पहले तिथि का सारा काम कर लीजिए, उनको प्रसन्न कर लीजिए, उनको अर्पित कर दीजिए सब चीज़ें, इसके बाद आप अपनी शॉपिंग करना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ये चीज़ अशुभ है, और इस दौरान इस पितृपक्ष में आपको ज़्यादा से ज़्यादा भागवत हो, रामायण हो, पूजन भजन हो, ये करना चाहिए, और कुछ ना कर सकें तो थोड़ी देर अपने पितृ के निमित्त ध्यान अवस्था में बैठ जाइए, बिल्कुल उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनसे प्रेम से बातें करने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको सपने आने लगते हैं पितृ के, अगर दिखाई देने लगते हैं पितृ, तो आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आगे दूसरे वीडियो में बताऊँगी। और इस प्रकार से दोस्तों मनुष्य मृत्यु के उपरांत भी सदगति देने वाली श्राद्ध विधि है। श्राद्ध विधि के कारण ही हमारे पूर्वज मर्त्यलोक से आगे जाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए श्राद्ध विधि जरूर करें, गौ की सेवा जरूर करें, गौ को भोजन जरूर दें, और साथ ही साथ दोस्तों जिनके माता पिता जीवित हैं आप उनके मरने के बाद आप उनका श्राद्ध करेंगे श्रद्धा के साथ, इसलिए रिक्वेस्ट है कि पहले ही आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, और उनका आप आज से ही मान सम्मान करें, उनकी इज्जत अभी जीते जी कीजिए, ताकि जब श्राद्ध का भोजन वो खाने आए तो किसी मन में गिल्ट के साथ ना आए। तो कर लीजिए दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशी खुशी अपने पितृ को मनाते रहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटा सा उपाय मैंने बताया वो शेयर जरूर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। नवरात्र आने वाले हैं तो माता रानी को लेकर के किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं वो मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ ले, पितृपक्ष के कुछ प्रश्न हैं वो वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ ले। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय पितृदेव की, जय पितरानी महारानी की।